subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. ये रिश्ता क्या कहलाता में जल्दी जल्दी मोड़ आ रहा है और दादी के साथ हो रहा है एक हादसा, जहाँ कैसे आपको बता दें, कार्तिक ड्रीम सीक्वेंस देखेगा और ड्रीम सीक्वेंस से उसकी रूह कांप उठेगी क्योंकि उसकी दादी उससे दूर जा रही होगी, जहाँ दादी का आखिरी फैसला ये होगा कि कर ले तो दूसरी शादी। लेकिन आपको बता दें, यहाँ कार्तिक मात खा जाएगा, कार्तिक पंडित को मान जाएगा, जहाँ दादी कार्तिक को बता देगी ये सब तुम्हारी कुंडली के दोष के वजह से हो रहा है। जहाँ दादी और कार्तिक में बातचीत होगी और दादी की बात कार्तिक नहीं समझ पाएगा, लेकिन कार्तिक के दिमाग में एक खिचड़ी जरूर पकेगी, वो भी दादी के दिमाग से वेदिका नाम की भूतनी को निकालने का। जी हाँ, वेदिका से शादी करवाना चाहती है दादी, और कार्तिक और वेदिका दोनों एक होना चाहते हैं ऐसा दादी को लगता है। लेकिन अब दादी की गलती होने वाली है अधूरी, क्योंकि अब पंडित जी वापस आने वाले हैं कुंडली के साथ और कहने वाले हैं कि वेदिका की कुंडली में दोष है। अगर वेदिका ने कार्तिक से शादी की तो वेदिका तुम्हारी ज़िंदगी में लेकर आ जाएगी तूफान और घर की सारी खुशियां हो जाएगी बर्बाद। तो इन सब में क्या कार्तिक का हाथ होगा, या कार्तिक इसलिए करेगा ताकि दादी ज़्यादा सोचे ना, या फिर कार्तिक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा। और क्या होगा शो ये रिश्ता क्या कहलाता में, इसके अपडेट हम आपको देंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में, जिसके लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।